फाइनली दोस्तों, अक्षय कुमार का जो एक्शन वाला अवतार था, जो कि हमने उनकी पास्ट की फिल्मों में देखा था, 90s के दशक में जो फिल्में आई थी, वो एक्शन का अवतार फिर से वापस आ गया है। आइए बताता हूँ क्या है खास बात और ये कौन से एक्शन अवतार की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में, नाम है मेरा राहुल भोज। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि बैंकॉक में धड़ल्ले से शूटिंग चल रही है फिल्म सूर्यवंशी की, जिसके बारे में मैंने आपको बात बताई थी। प्लस मैंने आपको एक और बात बताई थी कि रोहित शेट्टी साहब वहां पर एक मेजर एक्शन चंक को शूट करने वाले हैं, ये बात भी मैंने आपको बताई थी। अब फाइनली दोस्तों ये बात भी पता चल गई है कि अक्षय कुमार ने वहां पर एक बाइक स्टंट किया है, जिसे आप लोग देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बताना चाहता हूं दोस्तों, बैंकॉक की गलियों में हमारे जो खिलाड़ी कुमार हैं वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक्शन स्टंट किया, और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी है एक वेब पोर्टल को, और ये बात बोली कि यस, मैंने एक एक्शन किया है, बाइक की सवारी करी है, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ रोहित शेट्टी का। रोहित शेट्टी जिस तरीके से एक्शन स्टंट्स को डिजाइन करते हैं, एक्शन सीन्स जिस तरीके से वो फिल्माते हैं, वो लाजवाब होता है। यहां पर दोस्तों अक्षय कुमार साहब एक थोड़ी सी बात पे चुटकी भी लेते हैं और कहते हैं कि ये वही गलियां हैं, ये वही रास्ते हैं, ये वही सड़क है बैंकॉक की, जहां पर मैं कुछ सालों पहले जो है भोजन लेकर जाता था और बाइक पर भोजन सप्लाई करता था। मतलब कि ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि वो क्या करते थे बैंकॉक में। यहां पर उन्होंने कहा कि अब ऐसा दौर आ गया है कि मैं बाइक पे स्टंट तो कर रहा हूं, लेकिन इस बार अपना पेट कमाने के लिए कर रहा हूं, अपना खाना कमाने के लिए कर रहा हूं। खिलाड़ी कुमार की इस तरीके से फ्रॉम रैग्स टू रिचेस की ये जो जर्नी है, ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। तब तक के लिए दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि सूर्यवंशी के इस एक्शन सीन्स के लिए आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। प्लस खिलाड़ी कुमार फिर से वापस आ रहे हैं अपने एक्शन अवतार में, नेवर सीन लाइक बिफोर वाले अवतार में, उसके बारे में आपको क्या है कहना। बने रहिए चैनल के साथ, आपको इसी तरीके की छोटी छोटी बातें बताता रहूँगा।